दर्शकों, कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बिहार में जमीन रजिस्ट्री कराने को लेकर के नियम और कानून जो बदल चुके हैं उसको लेकर के चर्चा की थी और बताया था कि बिहार में जमीन रजिस्ट्री के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बिहार सरकार एक नई पहल जो है वो लागू कर रही है। इस पहल को किस तरीके से लागू किया जाएगा, क्या कुछ होगा, उस पर मैंने आपको खबर करके बताया था कि बिहार में जमीन रजिस्ट्री कराने का जो नियम और कानून होता है वो बदल चुका है। और देखिए, एक बार फिर से अब नियम और कानून में संशोधन किया गया है कि बिहार में जिस तरीके से अंगूठा लगवा करके जमीन का रजिस्ट्री कराया जाता था उसमें कई तरीके के फर्जीवाड़े के मामले सामने आते थे, ऐसे में बिहार सरकार काफ़ी परेशान थी और लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा था। तो इन्हीं सब परेशानियों को दूर करने के लिए एक बार फिर से भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है कि अब बिहार में अंगूठे से नहीं, नई तकनीकी के माध्यम से बिहार में जमीन रजिस्ट्री का काम जो है वो होगा, खरीद बिक्री का काम होगा। आधार पर फिंगरप्रिंट, आधार का जो नंबर होता है उसके द्वारा जमीन रजिस्ट्री कराने का नया फैसला जो है वो लिया गया है। चलिए इस खबर पर चर्चा विस्तार से कर लेते हैं। आपको बता दें कि जमीन, मकान और फ्लैट रजिस्ट्री कराने के लिए अब आधार सत्यापन अनिवार्य होगा। जमीन रजिस्ट्री में किसी तरह की गड़बड़ी और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए यह व्यवस्था की गई है। जमीन खरीदने और बेचने वाले व्यक्ति के अंगूठे और आयरिस से मिलान कर आधार का सत्यापन होगा, इसके बाद ही जमीन की रजिस्ट्री होगी। इस माह के अंत तक राज्य के सभी 137 रजिस्ट्री ऑफिस में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। ट्रायल के तौर पर 1 जून से पटना सदर, पटना सिटी और दानापुर निबंधन कार्यालय में यह व्यवस्था लागू की गई है। ट्रायल में यह व्यवस्था सफल मानी जा रही है। किसी व्यक्ति के नाम पर जमीन कितनी है, मकान और फ्लैट कितने हैं, छुपाना आसान नहीं होगा। आधार नंबर के माध्यम से संबंधित व्यक्ति के जमीन, मकान और फ्लैट का पूरा डाटा सरकार के पास होगा। अब ये सवाल उठता है कि आखिरकार ये लागू क्यों हुआ? तो कई बार जमीन के रजिस्ट्री के दौरान गवाह के माध्यम से ही दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर गलत तरीके से फर्जीवाड़ा कर जमीन, मकान और फ्लैट खरीद बिक्री के मामले सामने आते रहे हैं। इस तरह सरकार को शिकायत मिली है और नई व्यवस्था से इस तरह से कैसे फर्जीवाड़े को रोका जा सकेगा। तो अब आधार बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही जमीन की रजिस्ट्री होगी, खरीद बिक्री में फर्जीवाड़ा जो है वो नहीं होगा। सरकार जो शिकायत मिल रही थी लोगों के द्वारा कि किसी भी व्यक्ति को गारंटर के नाम पर खड़ा किया जाता है और जमीन का फर्जी रजिस्ट्रेशन करा लिया जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, साथ ही साथ मामले का निपटारा करते करते काफ़ी समय भी बीत जाता है। तो अब देखिए, आधार नंबर के सत्यापन के बाद ही जमीन रजिस्ट्री होगी। भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग ने इस पर एक नई व्यवस्था और कानून जो है वो लागू कर दी है। तो 1 जून से पटना में इसकी शुरुआत हो रही है और धीरे धीरे बिहार के सभी ज़िलों में ऐसी व्यवस्थाएं लागू कर दी जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप। जमीन से जुड़ी और इससे जुड़ी तमाम खबरें लगातार हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।